हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायती राज चुनाव मद्देनजर पुलिस द्वारा निकाला फ्लैग मार्च, निर्भय हो मतदान करने का किया आग्रह। पाली जिले में दूसरे चरण एवं तीसरे चरण के पंचायती राज जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव के मद्देनजर जिला कलेक्टर अंशदीप के आदेश अनुसार एवं पुलिस अधीक्षक पाली राहुल कोटोगे के निर्देशानुसार सोजत रोड कस्बे में चुनाव को लेकर पुलिस ने सशस्त्र बलों के साथ निकाला फ्लैग मार्च। सोजत रोड कस्बे में चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दिया और अलर्ट नजर आया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह, सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार के नेतृत्व में सोजत थाना अधिकारी रामेश्वर भाटी, सोजत रोड थाना अधिकारी सीमा जाखड़ व RAC का जाप्ता व सशस्त्र QRT के जाप्ते के साथ सोजत रोड कस्बे में फ्लैग मार्च निकाल कर निडर होकर मतदान करने व किसी को डरने की जरूरत नहीं है का संदेश दिया। सोजत वर्ता अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ ने मतदान दिवस पर मतदान अवश्य करने का आग्रह किया। COVID-19 नियमों का पालन करने, मास्क अनिवार्यता, 2 गज दूरी का आह्वान किया। जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगे के निर्देश से ये फ्लैग मार्च नगर के मुख्य बाजार होकर नुक्कड़ गली से गुजरा। जैसा आप देख रहे हो 27 को पंचायती संस्थाओं के चुनाव है। इस संदर्भ में जो पुलिस और प्रशासन ने मिलकर जो संवेदनशील बूथ छाटे हैं उन पर अभी फ्लैग मार्च कर रहे थे हम लोग, और एरिया डोमिनेशन का ये प्रयास था और जनता को ये संदेश देने का प्रयास था कि सभी लोग बिल्कुल निर्भीक होकर के मतदान करें। और पुलिस काफ़ी संख्या में लगाई गई है, किसी को किसी भी तरह से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।